सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला अपडेट है वो आता है HTC की तरफ से। एक टीजर वीडियो रिलीज किया गया है HTC U के लिए जो कि लॉन्च होने वाला है 16 मई को। और यहाँ पे एक बार वापस से मालूम चलता है कि ये होने वाला है एक ऐसा फोन जिसके एजेस को आप स्क्वीज करके इनपुट दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था करीब लास्ट ईयर जहां मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कुछ एक डेवलप किया है जहां पे आप फोन के एजेस को स्क्वीज करके इनपुट दे सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि HTC U क्या कमाल करता है इस फोन के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है बैटरीज को लेके। आप सभी घबराते हैं, डरते हैं जब मैं आपसे बात करता हूं बैटरीज की। फोन की बैटरीज हो चाहे वेरिएबल की बैटरीज हो, कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं वो फट ना जाए। यहां पे दोस्तों एक नई रिसर्च ये कहती है कि जो निकल जिंक बैटरीज हैं वो काफी सेफ होने वाली है, उनमें आग वाग नहीं लगने वाली है अगर आप उनको कंपेयर करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के साथ में। तो शायद आपको आगे चल के डिवाइसेज में निकल जिंक बैटरीज देखने को मिले। लेकिन फिर हम आगे और भी बढ़ रहे हैं ग्रेफीन वगैरह की तरफ, तो हमको वो भी एक स्टेप लेना है। देखते हैं कि हमारे डिवाइसेज को हम और ज्यादा सिक्योर कैसे बना सकते हैं फ्यूचर में। अगला अपडेट है यहां पे वो आता है वावे की तरफ से और वावे ने रिलीज किया है अपना एक छोटा सा ऐसा डिवाइस जिसका नाम है हाईकी 960। अगर दोस्तों आपको मालूम है रेसबेरी पाई के बारे में तो ये एक ऐसा ही सिमिलर डिवाइस है जहां पे आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉइड को इंस्टॉल कर सकते हैं और जो चाहें वो उससे कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं यहां पे। लेकिन जो स्पेक्स हैं वो काफी हाई एंड है, इसलिए जो प्राइस है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा है जो कि है $239। मतलब रेसबेरी पाई मिलता है कितना, $30-35 का, और यहां पे ये है $239। लेकिन यहां पे आपको मिलेगा वावे का ही जो किरी 960 प्रोसेसर है वो, साथ में माली का G71 GPU, 32GB की UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज और 3GB की DDR4 RAM। अच्छा है डिवाइस, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इसको वाकई में यूज करेंगे, वरना एक नॉर्मल कंज्यूमर तो शायद इतनी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं होगी। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो आता है वोडाफोन की तरफ से और वोडाफोन ने सेव लाइफ के साथ मिलकर एक नई ऐप को लॉन्च किया है जिसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में जब भी आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो यहां पर दोस्तों आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आपकी स्पीड, आपकी व्हीकल की स्पीड अगर 10 km/h से तेज है तो ऐसे में जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी कॉल्स हैं वो सभी ब्लॉक हो जाएंगे। उसके अलावा यहां पर कुछ तरह तरह के अलर्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन यार ये ऐप जो है ना, मतलब ऐसे कितने भी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, हमारे ऊपर है कि हम उनको कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आपको कार चलाते टाइम पे बात करनी है तो आप करोगे करोगे, आप क्यों ऐप को इंस्टॉल करोगे। तो ऐसे में फ्रॉम विदिन आना चाहिए कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं तब हम डिस्ट्रैक्ट ना हो ऐसे फोन्स वगैरह से, या फिर अगर फोन में कार मोड वगैरह है तो उसको यूज करें जिससे हम डायरेक्टली फोन को देख देख के टाइप कर करके वो काम ना हो, तो अच्छी बात है। सेफ्टी जो है वो नंबर वन, नहीं, सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। तो यहाँ पर अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से और एक पेटेंट सामने आया है एप्पल का जहां पे ये मालूम चलता है कि ये वाईफाई के थ्रू, बेसिकली वाईफाई, एग्जैक्टली वाईफाई नहीं लेकिन कुछ भी ऐसे एक राउटर जैसा डिवाइस होगा जिसके थ्रू आपके आईफोन्स जो है वो वायरलेसली चार्ज हो पाएंगे जो अपकमिंग फोन्स हैं। अब ये कौन सा फोन होगा, कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन एक बात पक्का मालूम है कि ये बहुत ही महंगा होगा और ये जो टेक्निक है ये फोन में डब्बे में देखने को नहीं मिलेगी। एप्पल बोलेगा कि अलग से परचेज करो इस डिवाइस को, उसके बाद में आप चार्ज कर पाओगे, जो कि बहुत ही महंगा होगा। लेकिन टेक्निक बहुत ही कमाल की है, अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो फिर बहुत ही रोशनी चीज होगी कि आप अपने फोन को 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट की डिस्टेंस से भी एकदम बिल्कुल अच्छे से ट्रूली वायरलेस तरीके से चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है नासा के एक टेलीस्कोप के बारे में। अगर ऐसे बात करता हूं टेलीस्कोप की तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है हबल टेलीस्कोप। लेकिन यहां पर दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है ये है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, लेकिन ये जो है अभी बीच में इसको पॉज कर दिया गया है बिकॉज यहां पर खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। जो डेवलपमेंट है उसको एक बार के लिए पॉज किया गया है और ये हबल टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। यहां पे हम इंफ्रारेड काम में लेंगे लेकिन पता नहीं डेवलप कब होगा, देखते हैं नासा इसके बारे में क्या अपडेट हमें दे देता है। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आता है amazon.in की तरफ से और रिपोर्ट से कहती है कि amazon.in जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर मार्केट प्लेस है, सबसे ज्यादा विजिटर्स यहां पे आते हैं, सबसे ज्यादा सेल्स यहां पे होती है। तो ऐसे में आप मुझे बताओ ट्रूली कि आप किसको फेवर करते हो, अमेजोन को या फिर फ्लिपकार्ट को। अब बाकी स्नैपडील और वो सब तो लिस्ट में है ना, दो ही तो है मेन, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। आप मुझे बताओ कि आप किसको यहाँ पे ज्यादा फेवर करते हो। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है आर्म की तरफ से यानी कि एडवांस्ड रिस्क मशीन्स की तरफ से, जो आप सुनते हो आर्म कॉर्टेक्स A53, A57 या फिर माली GPU वगैरह। तो यहां पर दोस्तों आर्म ने एक ISP को डेवलप किया जिसका नाम है माली C71 और ये बेसिकली जो ऑटोनोमस कार्स हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है जहां पे आप
सिग्नल्स को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे, और उसके अलावा जो भी आपके कैमराज वगैरह लगे हैं गाड़ियों में उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको और अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। तो ये दोस्तों जो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग चिप है ये बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है आने वाले दिनों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स के टाइम पे। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है गूगल पिक्सल फोन्स के लिए। अगर आप ले चुके हैं या लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों गूगल ने आपको बता दिया है कि कब तक आपको मिलेंगे एंड्रॉइड अपडेट्स या फिर मंथली सिक्योरिटी पैचेस। बोले तो अगले साल यानी कि 2018 अक्टूबर तक आपको गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल जो दोनों फोन्स हैं उनमें मिलेंगे एंड्रॉइड अपडेट्स, और 2019 अक्टूबर तक आपको मिलेंगे मंथली सिक्योरिटी पैचेस। उसके बाद भी मिल सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है गूगल की तरफ से। अक्टूबर 2018 का मतलब यह होता है कि आपको एंड्रॉइड ओ तो मिलेगा ही मिलेगा, ओ के बाद में पी जो आएगा अगले साल वो भी मिल जाएगा, और उसके बाद में गारंटी नहीं है मिले या फिर ना मिले। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की सेल्फ ड्राइविंग कार को लेके, और ये लीक हुई है, इसको स्पॉट किया गया है। ये बेसिकली लेक्सस की कार है एक, जिसके थ्रू एप्पल शायद अपनी टेक्निक्स को डेवलप कर रहा है और उसके बाद में लॉन्च करेगा अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार, या फिर शायद उससे ही मिलता जुलता कोई भी सिस्टम। लेकिन एप्पल की कार में विंडोज होंगी या नहीं होंगी बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में। दोस्तों जो अगला अपडेट यहाँ पे आता है वो है इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट शेयर्स को लेके। रिपोर्ट्स दोस्तों अभी लेटेस्ट निकल के आई हैं, उसमें माइक्रोमैक्स एक टाइम पे हुआ करता था, अभी उसका लिस्ट में दूर दूर तक दोस्तों कोई भी नाम नहीं है। यहाँ पे सैमसंग नंबर 1 पे है, उसके बाद में आता है शाओमी, उसके बाद में नंबर 3 पे है वीवो, 4 पे लिनोवो और 5 पे ओप्पो। आप मुझे बताओ कि आप कौन से ब्रांड का फोन यूज करते हो। देखते हैं कि आज कॉमेंट्स में सैमसंग नंबर 1 पे आता है या शाओमी आता है या वीवो आता है या लिनोवो या फिर ओप्पो। तो सो अगला अपडेट यहाँ पे है वो है बहुत ही कमाल की चीज के बारे में, और एक सर्जन ने हमें ये कहा, बेसिकली वो काफी एक्सपर्ट है अपने फील्ड में दोस्तों, वो ये कहते हैं कि एक साल के अंदर अंदर, अगले एक साल के अंदर अंदर हम देखेंगे ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट। दोस्तों ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो हम देख रहे हैं पिछले काफी टाइम से, अलग अलग ऑर्गन्स का जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ह्यूमन हेड का ट्रांसप्लांट ये बहुत ही बड़ी चीज है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। और ये अगर हम इतना ही जल्दी कर पाए तो ऐसे में आगे चल के मेडिकल साइंस में कहां कहां क्या क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे वो आप सोच के देखिए, और शायद ह्यूमन हेल्थ को हम और ज्यादा अच्छा बना पाएंगे। दूसरा अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है मार्स की मिट्टी से बनी ईंटों के बारे में, बोले तो मार्स सॉइल वाली ब्रिक्स। दोस्तों यहां पे कुछ रिसर्चर्स ने क्या किया कि सिमुलेट किया कि जो मार्स की सॉइल है उसको अगर हम कंप्रेस करके एक ब्रिक बनाएं तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अब देखिए हमको मार्स पे जाना है, हमको वहां पे रहना है, हमको वहां पे अपने घर बनाने हैं, तो अभी तक जो प्लान है वो मालूम है कि आपको ग्लास के डोम्स में रहना है या फिर आपको ऐसे ही रहना है। लेकिन यहां पे रिसर्च सामने आती है जहां पे ये मालूम चलता है कि अगर मार्स की सॉइल से बनी हुई ब्रिक्स बनाई जाएं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, स्टील से भी ज्यादा मजबूत हैं, कंक्रीट से ज्यादा मजबूत हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज, तो क्या पता हम मार्स में रहें मार्स की ही बनी मिट्टी में, मिट्टी के ईंटों से बने हुए घरों में। दूसरा अगला अपडेट यहां पे है वो आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से कैनवस 2 2017 वर्जन के लिए, और रिपोर्ट से कहती है कि ये होने वाला एक अनब्रेकेबल फोन जहां पे आपको मिलेगी एक साल की गारंटी, अगर आपके फोन का स्क्रीन टूट जाए तो आपको मिल जाएगा रिप्लेसमेंट। लेकिन ये कौन से फोन की कॉपी है वो अभी तक हमको मालूम नहीं चल पाया है हमारे सूत्रों से। ये देखो कितना जल्दी सामने आता है कि जो फोन है वो ओरिजिनल था कोई जिसका कॉपी बना के लेके आ गया, या फिर माइक्रोमैक्स ने कुछ कुछ ऐसा काम किया है कि हम इस फोन को ना पकड़ पाए। देखो क्या होता है माइक्रोमैक्स कैनवस 2017 के लिए। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है दुनिया के सबसे सिक्योर फोन के बारे में। आप सभी जो है वो चिंता करते हैं हमारे फोन में कोई हैक ना कर ले, कोई हमारा फोन क्रैक ना कर ले, तो यहाँ पे दोस्तों ये एक फोन जो है ये आता है मैकेफी की तरफ से, जिसको बोला गया है कि ये है दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर फोन। ये देखो मार्केट में कब तक आता है, जो प्राइस है वो होने वाली है करीब करीब $1,100। आप अपने फोन की सिक्योरिटी लेके कितना ज्यादा वरीड है, मतलब ठीक है मेरे पास भी, मैं काफी सारे फोन यूज करता हूं लेकिन सभी के अंदर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मेजर्स लिए हुए हैं सिक्योरिटी को। तो आप अपने फोन की सिक्योरिटी को लेकर कितना चिंतित हैं, क्या आप ऐसे किसी फोन में इंटरेस्टेड हैं जो ये गारंटी देगा आपको कि ये फोन जो है ये हैक प्रूफ है, मुझे बताएगा नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बस यही थे सारे आज के टेक अपडेट्स, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने तो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।